हरिशन पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। हरिशन पीजी कॉलेज में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट को बंद कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ होने लगी। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस दलबल के साथ पहुंची व कार्रवाई में जुट गई। छात्रों ने कहा कि हमारी मांग है कि शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। छात्र छात्राएं अन्न जल त्यागने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान सौरभ यादव, हर्षिता गुप्ता, आनंद मौर्य, रोहित यादव, उत्कर्ष तिवारी, शुभम, राहुल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग छात्र संघ की तिथि के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जो कि कॉलेज प्रशासन हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहा है और मुकदमा लगाने की धमकी भी दे रहा है बार बार। जितनी पुलिस बाहर खड़ी है ना, उतने में तुम लोग का छात्र संघ चुनाव हो जाए। कौन सा विधायकी का तुम लोग चुनाव का टिकट मांग रहे हैं, जो कि नहीं दे पा रहे हैं इन लोग को सर की जिस हिसाब से पुलिस लग रही है ना, जैसे लग रहा है कि हम लोग तो आतंकवादी हैं भाई। हम लोग गेट इसलिए मंग किए हैं, जिस छासंघ के समय पदाधिकारी बनी हूँ उसी की लड़ाई के लिए हम लोग अपना छासंघ चुनाव का तिथि मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारे लिए कौन लड़ेगा। हम लोग आमरण अनशन भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल हम लोगों ने आज लगातार 4 दिनों से यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम लोगों की बात ना शासन सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है, ना कॉलेज प्रशासन सुन रहा है। लगातार हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, उसमें से हमारे साथ इस कड़कती ठंड में बैठे हुए हमारे समस्त प्रत्याशी भाई, उनके तबीयत भी खराब होने के कारण लगातार वो कभी चौरा हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 दिन, उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन जरा सी सौतेला व्यवहार हमेशा कर रहा है और उसके बाद इस समय पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करने चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। अरे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस बात की मुकदमा होगा। छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो 8,500 बच्चों से बोले 8,500 बच्चों की नेतृत्व करने वाले हम लोग, आज हमें मुकदमे डराया जा रहा है। ऐसी कौन संविधान में लिखा है मुकदमा लिख जाए। हम लोग चाह रहे हैं जैसे लगातार छात्र संघ चुनाव हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। नहीं होता है तो इस तरह धरना हम लोग बैठे हैं, लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और जल भी त्यागने का काम करेंगे।